ब्रेक से वापस आ गए हैं तो और भी लोगों से बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद हमाद। अस्सलाम। क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। स्टूडेंट। किसकी शादी है इस महीने या आने वाले महीने में? किसकी शादी है यानी कि इन सीजन में आपके जाने वालों में से किसकी शादी है? मेरे रिलेटिव की है, कज़न की है। कितने? ओके, कितने का खर्चा किया आपने कपड़ों पे? अपनी शॉपिंग 10-15 हज़ार की थी। अच्छा चलो जी, ओके सवाल करते थे। मुझे बताएं सलामी कितनी देनी है? सलामी घर वाली देंगे 5,000 रुपये तो देंगे कम से कम। ओके ठीक हो गया। सवाल करते मुझे बताओ वो कौन सा लफ्ज़ है जो हमेशा गलत लिखा जाता है? गलत। गालियाँ ज्वाइन करने क्या सुनाना है? सुना। ओ चांदनी जब तक रात देता है हर कोई साथ, तुम अगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ, ना कोई है ना कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा हो हम नवा। जब कोई रात गुजर जाए, जब कोई मुश्किल बन जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। मैं पाकिस्तानी आवाम को पैगाम देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है, काइंडली आप इनका साथ दें। और थोड़ा मुश्किल वक्त तो हर यानी कि कह लें मुल्क पे आता है, इस मुश्किल वक्त से हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी निकल जाएंगे। तो मेरी यही गुजारिश है कि गवर्नमेंट का साथ दें, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट को। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आप लोग जी भाई बहुत अच्छा मैसेज दिया आप तो, वही लड़के भी 10-12 हज़ार की एवरेज पे जा रहे हैं। अच्छा भाई मेरा तो दिल करता है कि लड़कों को बड़ा सोना लगना चाहिए, मेरे हस्बैंड है मेरा बस चलो तो मैं तो उनके लिए लाखों रुपए की शॉपिंग करूँ, मैं जब जाती हूँ उनके लिए शॉपिंग करना शुरू कर देती हूँ। हम मतलब मेरे किसी रिलेटिव की शादी होती है तो वो मेरे लिए कर रहे होते हैं इतनी चीज़ें, और मेरा होता है यार अच्छे सबसे डिज़ाइनर पे जाऊँ, खुद मेरा कोई फोकस नहीं होता अपने, मैं उनके लिए उस डिज़ाइनर का बनवाऊँ कि वो मैशल हैं भी इतने हैंडसम, तो भाई वो वाला डिज़ाइनर का वो वाला जोड़ा होना चाहिए महंगे से महंगा। तो मेरे ख्याल से ये मोटिवेशन मैं दूंगी उन लड़कियों को जो अपना अपना करती रहती है, प्लीज़ अपने लाइफ पार्टनर का, अपने फादर का, अपने भाइयों का भी उतना ही सोचा करें, जितना प्यारा लगने का हक आपको है उतना ही मर्दों को भी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम रेहान। आपका नाम? ज़ुरैब अहमद। क्या करते? असिस्टेंट मैनेजर एचआर इनल। आप क्या करते? हाउस वाइफ। चले जी शादियों का सीजन चल रहा है, आपके खानदान में किसकी शादी है? मेरे अभी देवर की बेटी की शादी हुई है, अभी और कजन की इनकी शादी है अभी दिसंबर में ये एंड पे। चले मुझे बताएं आप कितने पैसे खर्च कर देती हैं अपने जोड़े पे? हाँ मैं काफ़ी पैसे खर्च करती हूँ। अभी कितने? कोई 10,000 का एक सूट लेती हूँ। वेरी नाइस। और आपकी कितनी बेटियाँ? मेरी बेटी कोई नहीं, मेरे माशाल्लाह से 5 बेटे हैं। 5 बेटे बहू हैं। वो कितना करती हैं? वो बहुत करती हैं। कितना? एग्जाम्पल वो कर देती महल कोई एक सूट पे अपने पे 25-30 हज़ार। अच्छा तो आप भी इतना किया करें ना? मैं करती थी सारी उम्र, मैंने बहुत की है। अच्छा गुड है, सिंपल हो गई हूँ। अच्छा अंकल हैं? माशाल्लाह। वो कितना करते हैं? उनकी मैं करती हूँ, उनको बहुत अच्छी ड्रेसिंग करवाते हैं, उनके बच्चे अब बड़े हो गए हैं बहुत अच्छी ड्रेसिंग करवाते हैं। और आप खुद पे क्या होता है? सॉरी आप खुद पे कितना? बहुत खर्च करते हैं, मतलब फूड पे बहुत खर्च करते हैं। अभी हम शादी स्पेशल कर रहे हैं तो शादी के कपड़ों पे बताओ। तो यूनिक ड्रेसिंग होती है, अगर आप कोई भी शूटिंग करते हैं शूज टू टाई 20-25,000 तो लग जाते हैं। लग जाते हैं। अच्छा तो भाई जब ये सीजन आता तो फुल पैसे का? बिल्कुल। मेरा ससुराल बहुत बड़ा माशाल्लाह, हर वक्त कोई ना कोई शादी आई रहती है, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। चलें गुड हो गया। कभी ऐसा हुआ है कि किसी को कम से कम सलामी कितनी दी है? कम से कम सलामी वाला डिपार्टमेंट मामा जी कम से कम 5,000। हाँ ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी? 11-10। चले गिफ्ट। हाँ ये अच्छी बात है। चले
سر لوگ اتنا پر ہیڈ خرچ کرتے ہیں, لوگ جا کے تھوڑی سی سلامی دے رہے تھے, وہ بھی زیادتی ہے, وہ بہت زیادتی ہے. چلے اچھا آپ کھائیں گے تو سلامی تو ٹھیک سے دیں. گڈ, بہت اچھی بات کی. سوال کرتے ہیں آپ سے, ٹھیک ہے؟ جی کر. مجھے بتائیں, ایک آدمی جا رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی کی بیٹی تھی اور ایک بکری تھی. اسے ایک آدمی نے پوچھا آپ کی عمر کیا ہے, یہ آپ کی کیا لگتی ہے اور بکری کتنے کی ہے. اس نے ایک ہی لفظ میں جواب دیا, وہ لفظ کیا تھا؟ آپ کی عمر کتنی اور یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے اور یہ بکری کتنی کی ہے؟ 20. تالیاں بجائیں. ویری نائس. پڑھائی میں کیسے تھے آپ؟ سوری, پڑھائی میں کیسے تھے؟ بہت اچھا. اسی لیے آ گیا جواب. کیا سنائیں گے آپ؟ میں تو ایک ریسیپی شیئر کروں گی ہنٹر بیف کی. اگر آپ 1 kg لیتے ہیں بیف, ایک ہی پیس ہونا چاہیے, اس پہ آپ 1 چمچ نمک, 1 چمچ کلمی شورہ اور 5 لیمن لگائیں گے اور اس کو 3 دن کے لیے فریج میں رکھیں گے. اس کو روز نکالیں گے, روز کانٹے سے ٹک لگائیں گے. تیسرے دن اس کو دیچکے میں, اسٹیل کے دیچکے میں پکانے کے لیے سائڈ پہ آٹا لگا کے اس کو 4 گھنٹے پکائیں. وہ اتنا مزے کا سردیوں کا وہ چیز ہے کہ ہر کچھ ہو. ہنٹر بیف, ہاں. تو وہ پھر آپ کاٹیں اس کو, پھر مکھن میں فرائی کریں اور کوک کے ساتھ. بہت اچھی. آپ کوک پیتی ہیں؟ مجھے بہت اچھی لگتی. نہیں آپ نہیں پیتی. میں نا ضرور دیکھتی ہوں یہ کہ مما چینل چینج میں کہنی نہیں, مجھے یہ دیکھنا. تھینک یو سر, تھینک یو. آپ کو شیئر کریں گے؟ میں سانگ مما کو ڈیڈیکیٹ کروں گا. تیرے پاون چرنوں میں سنسار بچھا دیں گے ہم, تیری راہ میں جو کانٹے ہوں تو خود کو بچھا دیں گے ہم. یہ بندھن تو پیار کا بندھن ہے, جنموں کا سنگم ہے. تھینک یو. ماشاء اللہ, یہ لے جی لاہور نیوز کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے گئے. تھینک یو جی. ماں بیٹا تھے, کسی اور سے بات کرتے. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ کا نام؟ حنا. آپ کا نام؟ اجان. کون سی کلاس؟ KG2. آپ کیا کرتے؟ میں ہاؤس وائف ہوں. چلے جی سوال کرتے ہیں. پہلے مجھے بتائیں آپ کے خاندان میں کس کی شادی ہے؟ ریسنٹلی میری سسٹر کی شادی ہوئی ہے. کتنا خرچہ کیا آپ نے اپنے پہ؟ میرے پہ اباؤٹ 35,000. ہسبینڈ کا کل خرچہ؟ ہاں جی بالکل. چلے, اور ہسبینڈ نے اپنے پہ کتنا کیا؟ ان کا 15,000. اچھا چلو گڈ ہے. اور بیبی نے؟ بیبیز پہ تو 20,000 تو آلموسٹ, کیونکہ چیزیں بڑی مہنگی, بہت مہنگی ہیں. اچھا کس کس رنگ کا جوڑا بنایا؟ میں نے ایک گرارا بنایا, ایک میں نے لاچا بنوایا اور ایک میں نے پلم فراک میں لیا. چلے, سلامی کتنی تھی؟ سلامی اس کو میں نے 10,000 دی. ویری نائس. چلے جی سوال کرتے ہیں, ٹھیک ہے؟ ایک کھانے والی چیز کا نام ہے جو آدھا جو ہے وہ پھلوں کے اوپر نام ہے اور آدھا جو ہے وہ پھولوں کے اوپر نام ہے, وہ کیا چیز ہے؟ میں بیوٹی کو شیئر کروں گی. ہیئر فال کے لیے ہے اور اس سے آپ کے بالوں کی گروتھ بھی اچھی ہوگی. کوکونٹ آئل لینا ہے آپ نے, اس کو بوائل کرنا ہے اور اس میں ایک ایلو ویرا اسٹک آپ نے ڈال کے اچھے سے بوائل کرنا ہے. اتنا بوائل کرنا ہے کہ ایلو ویرا اسٹک اس میں جل جائے, اس کے بعد اس کو کول ڈاؤن کر کے اسٹور کر لیں اور اس کو رات کو آپ اپنے ہیئرس میں اپلائی کریں, ان شاء اللہ ہیئر فال رک جائے گا. سر آپ نے لے لو بچوں سے بنا, 1 روپے کے لے لو جان, کچے پکے لایا ویل, کھٹے میٹھے لایا ویل, نیلا پیلا کیلا ہے کھانے میں یہ میٹھا ہے, لے لو کنو لے لو جان, آؤ بچوں لے لو. ہاں زبردست. لاہور نیوز کی طرف سے آپ کے لیے لاہور نیوز. شکریہ, بہت مزہ آیا. بہت پیاری فیملی تھی, شادیوں کا جو ہے وہ چل رہا ہے. اور ابھی ایک بات سننے کو ملی ہے, جی بچوں پہ بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں باقیوں نے کتنا اپنے بچوں پہ خرچہ کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ حمیرا. اویس علی. آپ کا نام؟ کون سی کلاس؟ کیا تھا آپ کیا کرتے؟ ہاؤس وائف. آپ کیا کرتے؟ کمپیوٹر کا. چلے مجھے بتائیں کس کی شادی گزری ہے یا آنے والی ہے؟ آنے والی ہے 10 ڈیز کے بعد میرے بردر ان لوگ کی شادی ہے. چلے سچی بتائیں انہوں نے کتنا خرچہ کروایا اپنے کپڑوں پہ؟
बहुत खर्चा करवाया, कोई 40-50 हज़ार। माशाल्लाह। ओके, आपने अपने पे कितना? मेरा तो बस सिंपल सा काम है, बस जो कपड़े मिल गए पहन लिए। सो नाइस। लेकिन आपको असूली तौर पे उन पे भी करना चाहिए, उनके भी बाकायदगी से आपके मुकाबले के कपड़े होने चाहिए। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और वो मैंने अक्सर देखा मर्द बड़े मर्द ना बड़े चिल होते हैं, वो कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने अच्छी शलवार कमीज पहन ली है, वेस्टकोट पहनी है, रेडी है। ऐसे ही ऐसी कंडीशन में लेडीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, सो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चले जी, गुड हो गया। ओके, सवाल करते हैं, ठीक है? कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? जून, जून का। अगस्त कम कम होंगी तो कौन सा है? उसकी जून की, जुलाई, जून जुलाई में लंबी रातें होती हैं। दिसंबर, दिसंबर की लंबी, जून में लंबे दिन होते हैं और रातें छोटी होती हैं। अभी देखे, अभी आप सोएंगे सुबह सुबह दिन चढ़ जाएगा। ये दिसंबर में ही होगा, थोड़ा सा आगे चले जाए जनवरी और आगे चले जाए तो मार्च में, थोड़ा पीछे आ जाए फरवरी। फरवरी चले, क्लैपिंग करते हैं। क्या साइज तक होते हैं ना, इस वजह से क्या सुनाएंगे? ये रेसिपी बताएंगे, रेसिपी मैं मैश पोटैटो की रेसिपी बताऊंगी, बहुत इजी और सिंपल सी है बच्चों के लिए। आप पोटैटो को बॉईल कर लीजिए, उसके बाद आप बटर को गरम करके उसमें पोटैटो मिक्स करके उसमें 2 स्पून क्रीम डालें और सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर दें। वो बहुत इजी और हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए। लाहौर न्यूज़ की तरफ से आपके लिए शुक्रिया। एक्चुअली वो पोएम सुना दो, चलो चलो सुनाओ, सुनाओ पोएम। कौन सी वाली सुनानी है? उधर कैमरे में देख के सुनाओ। 5 लिटल मंकी। ऊंची बात में आवाज आ ही नहीं रही। चले, थैंक यू जी। बहुत प्यारी फैमिली थी, इंजॉय किया। शादियों का सीज़न मैंने तो बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। जी नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। शादियों की एपिसोड थी ये, शादी स्पेशल, बहुत इंजॉय की मैंने तो भाई। मेरी तैयारियां तो आप देख सकते हैं, शादी स्पेशल था। मगर आज सुनने में आया कि एंड निकला कि ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं और मर्द इतना नहीं करते। भाई मर्दों पे भी उतना ही करें, ये ज़्यादती ना करें आप, ठीक है? चले जी, 2 सवाल। एक आदमी था, उसके पास एक बकरी थी और एक उसके साथ उसकी बेटी की बेटी थी। तो एक मर्द ने उससे जाते पूछा, आपकी उम्र क्या है, ये बकरी कितने की और ये आपकी क्या लगती है? तो उसने कुछ ऐसा जवाब दिया कि एक लफ्ज़ में जो तीनों का जवाब था, तो वो था 89, ठीक है? तब आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। और दूसरा जो आपका, सॉरी जवाब मैं भूल गई थी, दूसरा भी एक जवाब है, वो ये है कि सबसे कम लोग किस महीने में सोते हैं, तो वो फरवरी, क्योंकि 28 फरवरी तक दिन होते हैं। अपना ख्याल रखें। फेवरेट प्रोग्राम भूजो तो जीतो थर्सडे टू संडे शाम को 7 बजे देखें। मुझे अलीना हारून अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।